करो का। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय चैनल प्राइम टीवी। यूं तो यूपी में यह दावा किया जाता है कि यहां पर महिलाएं और बेटियां पूरी तरीके से सुरक्षित है। पिछली सरकार अपने आंकड़ों को दिखाती है तो वही तत्कालीन सरकार अपने भी आंकड़ों को दिखाते हुए ये दर्शाने की कोशिश करती है कि यूपी में वाकई में महिलाएं सुरक्षित है। लेकिन क्या सच में महिलाएं और बच्चियां हमारे यूपी में सुरक्षित है? इस रिपोर्ट को देखिए और समझने का प्रयास करिए। फिलहाल छोड़ चलते हैं आपको इस रिपोर्ट के साथ। बच्चियों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल, आखिर हुई शर्मसार बच्ची के साथ छेड़छाड़, सिपाही की काली करतूत का वीडियो हुआ वायरल, महिला ने पुलिस को किया एक्सपोज। सुना आपने, यह है सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, जिन्होंने ये कहा है कि चौराहे पर छेड़ने वालों को अगले चौराहे पर पुलिस ढेर कर देगी। एक चौराहे पर किसी बेटी या बहन को छेड़ता हो, दूसरे चौराहे पर डकैती डालने का दुस्साहस करता हो, अब नहीं कर पाएगा। सीना चौड़ा करते हुए अपनी पुलिस पर सीएम ने आंख मूंद कर भरोसा तो कर लिया, लेकिन जरा सोचिए, जिस पुलिस के हाथ में बहन बेटियों की सुरक्षा का जिम्मा होगा, वही पुलिस अगर छेड़खानी करने लगे तो आखिर कहां पर सेफ है? कहानी की शुरुआत करने से पहले इस वीडियो को देखिए। लखनऊ, जिसे तहजीब का शहर कहते हैं, जिसकी नफासत के चर्चे पूरी दुनिया में हैं, जहां के नवाबों की कहानी बड़ी जल्दी लोगों को अपना बना लेता है। लेकिन आपने जिस वीडियो को देखा, वो भी जनाब लखनऊ का एक पहलू है। साइकिल चलाती हुई स्कूल की बच्ची जो अपने भविष्य को संवारने के लिए स्कूल जाती है, जहां रास्ते में उस बच्ची को हर दिन एक पुलिसकर्मी मिलता है जो उसको सुरक्षा का एहसास तो नहीं कराता, बल्कि उस मासूम जैसी कई बच्चियों से छेड़छाड़ करता है। पुलिसकर्मी ने वर्दी को धूमिल करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। शहादत अली नाम का ये हेड कांस्टेबल पिछले कई दिनों से कैंट इलाके में स्कूली बच्चियों के पीछे अपनी दोपहिया वाहन को लगाकर उनसे बात और नंबर मांगने की कोशिश करता था। डरी सहमी छात्रा ने आखिरकार हिम्मत जुटाते हुए अपने परिजनों को इस मामले की जानकारी दी। वो सर, दो दिन से ये आदमी जो है पुलिस वाला मेरी बेटी को दो दिन से परेशान कर रहा था, एक महीने और दो महीने से उसका पीछा करता था, उससे गंदी गंदी अश्लील बातें करता था। तो हमको बताया मेरी बेटी ने, कल मैं इसको पकड़ने के लिए अपनी बेटी के साथ ही साथ निकली, तो कल वो मेरी बेटी के पीछे नहीं था, किसी और लड़की के साथ था। तो जब हमने देखा कि कोई पुलिस वाला किसी लड़की के साथ स्कूटी में आ रहा है, हम लोगों ने उसका पीछा किया तो ये वही आदमी निकला। फिर हम लोगों ने इसको पकड़ा, स्कूल के साथ हैंड ओवर किया, फिर पुलिस थाने गए। जिसके बाद बच्ची की माँ ने साहस का परिचय देते हुए पूरे मामले का वीडियो बनाया। बच्ची की माँ ने खुद आरोपी हेड कांस्टेबल शहादत अली का पीछा किया, ताकि पुख्ता सबूत के साथ आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। आखिरकार माँ की मेहनत रंग लाई, जिसने उस कांस्टेबल को बच्चियों को परेशान करते हुए और रोकते हुए रंगे हाथों पकड़ा और सेना पुलिस के सुपुर्द कर दिया। वायरल वीडियो के सामने आने के बाद यूपी पुलिस ने भी बयान दिया है। आज एक बाइक सवार व्यक्ति द्वारा स्कूली छात्रा का पीछा करने और उससे वार्ता करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। घटना के संबंध में तहरीर थाना कैंट पर प्राप्त हुई है। तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अभियुक्त, जिसकी पहचान मुख्य आरक्षी सादत अली के रूप में हुई है, उसको पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। विवेचना प्रचलित है, पुलिसकर्मी को निलंबित किया जा चुका है। जानकारी के लिए बताना है कि कैंट थाना क्षेत्र में एक वीडियो संज्ञान में आया था, जिसमें एक पुलिसकर्मी जिसका नाम हेड कांस्टेबल सादत अली है, उसके द्वारा
आपत्तिजनक व्यवहार किया जा रहा था। इस संबंध में आपको अवगत कराना है कि उस पर तत्परता से कार्रवाई की गई है और बिल्कुल जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई करते हुए इसको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है और इसके ऊपर अभियोग पंजीकृत करते हुए अग्रिम वैधानिक कार्रवाई इस प्रकरण में की जा रही है। लखनऊ पुलिस ने कहा, प्रकरण को संज्ञान में लेकर पुलिसकर्मी के खिलाफ थाना कैंट में अभियोग पंजीकृत करके आगे की कार्यवाही की जा रही है। आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ धारा 354 का, 354 घ व पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो वहीं इस वीडियो को लेकर लोगों ने कहा कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ इस तरह की हरकत करके शहादत अली वर्दी को शर्मसार कर रहा है, उसे निलंबित कर गिरफ्तारी की मांग भी की जा रही है। जमाने ने कहा ये हमारे रक्षक हैं, इनकी पनाह में हम सुरक्षित हैं। इनके चेहरे से नकाब हट गया जब रक्षक ही भक्षक बन गया। ये लाइन सटीक बैठती है यूपी पुलिस 2006 के बैच के एक सिपाही सादत अली पर, जो लगातार कई दिनों से स्कूली बच्चियों को छेड़खानी कर रहा था और उन्हें बीच रास्ते में रोकता भी था। आज परिजनों ने उसे रोका और कैंट इलाके में उसे धर दबोचा और साथ ही सीएमपी पुलिस को बुलाया गया। उसके बाद सीएमपी पुलिस कार्रवाई करने के बाद कैंट कोतवाली लाती है। उसके बाद कैंट कोतवाली में उसे रखा जाता है और सबसे पहले उसकी वर्दी उतारी जाती है, उसके सिविल कपड़े पहनाए जाते हैं, उसके बाद कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू होती है। इंस्पेक्टर कैंट राजकुमार के मुताबिक ये 2006 बैच का सिपाही है और 112 मोहनलालगंज में पोस्टेड है। फिलहाल अभी सदर थाना क्षेत्र में किराए पर रहता है अपने परिवार के साथ। तीन बच्चे, दो लड़के एक लड़कियां, उसके बावजूद भी इतना घिनौना कृत्य कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल भी पैदा करता है। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या फिर भाजपा सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी पुलिस का एक सिपाही इस तरह से ऐसी घटना को अंजाम देता है तो कहीं ना कहीं पूरे महकमे को शर्मसार होना पड़ता है। फिलहाल पुलिस ने 354 का और घ में और पॉस्को एक्ट 7/8 में मुकदमा पंजीकृत कर लिया है और बच्चियों के बयान भी दर्ज हो रहे हैं। फिलहाल FIR लिखी जा रही है और उसके बाद जो आरोपी सादत अली है, सिपाही 2006 बैच का, उसे न्यायालय के सामने समक्ष पेश करके जेल भेजा जाएगा। फिलहाल देखने वाली बात यह है कि कहीं ना कहीं एक वर्दी पर हमें भरोसा होता है, उसके बावजूद भी इस तरह से कृत्य कहीं ना कहीं पूरे महकमे और जो भी पूरा सिस्टम है उसको फेलियर करने में लग जाते हैं। फिलहाल पुलिस इसे मेडिकल के बाद न्यायालय के समक्ष पेश करेगी और उसके बाद इसे जेल भेजने की प्रक्रिया भी शुरू होगी। कैमरामैन नीरज के साथ सागर थापा, प्राइम टीवी, लखनऊ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।